दामोदर सावरकर एक ऐसा नाम जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम सालों से चला आ रहा है। एक बार फिर सावरकर के नाम पर कर्नाटक में राजनीति तेज हुई है और आमने सामने है बीजेपी और कांग्रेस के नेता। शिवमोगा से लेकर उडुपी तक सावरकर के पोस्टर का विरोध हो रहा है। आपको इस बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं आखिर सावरकर पर बीजेपी और कांग्रेस के विचारों में टकराव है क्यों। बीजेपी सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी बताती है तो कांग्रेस सावरकर को देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार बताती है। बीजेपी कहती है कि सावरकर ने गांधी जी के कहने पर दया याचिका दी थी। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सावरकर महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल थे। बीजेपी कहती है कि सावरकर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था। कांग्रेस कहती है सावरकर वीर नहीं डरपोक थे। और यही वजह है कि कर्नाटक के उडुपी में सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरों वाला पोस्टर कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस इस पोस्टर को उतारने की मांग कर रही है। इसी बीच मुसलमानों पर बीजेपी नेता ईश्वरप्पा के बयान से भी विवाद बढ़ा है। कर्नाटक में हिंदूवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी शिवमोगा का पोस्टर विवाद खत्म नहीं हुआ था कि उडुपी में सावरकर के पोस्टर को लेकर बवाल शुरू हो गया। ये तस्वीर उडुपी के ब्रह्मगिरी सर्कल की है, जहां 15 अगस्त के दिन एक पोस्टर लगाया गया था। पोस्टर में सुभाष चंद्र बोस और सावरकर एक साथ दिख रहे हैं। साथ में उस पर लिखा है जय हिंदू राष्ट्र। इस पोस्टर पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है और पार्टी ने इस पोस्टर को हटाने की मांग की है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर पोस्टर को नहीं हटाया गया तो पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। ಏನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರೆ ಮಾಡಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಬಂದು ತೆಗಿಬೇಕು ವಾತಾವರಣ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇನ್ನೇನು ಈ ಥರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಉಡುಪಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಏನು ಮೇಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಇದು ಮೂಲಕ. सूत्रों के मुताबिक सिटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 18 अगस्त तक इस पोस्टर को लगाने की इजाजत दी है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि बिना इजाजत ये पोस्टर लगाया गया है। इससे पहले 15 अगस्त को राज्य के शिवमोगा में टीपू सुल्तान और सावरकर की पोस्टर लगाने को लेकर दो गुटों में विवाद हुआ था। टीपू सुल्तान के समर्थकों ने सावरकर के पोस्टर को हटाने की कोशिश की थी। इस दौरान एक युवक को चाकू भी घोंपा गया। शिवमोगा में फिलहाल शांति है, लेकिन इसको लेकर राजनीति गर्म है। शिवमोगा के बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री KS ईश्वरप्पा ने मामले को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कुछ मुस्लिम गुंडों पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। मुसलमानों का वो बाप का जगह है क्या? वो सारे हिंदुस्तान भारत माता की है। मुसलमान लोगों ने ज्यादा किधर है, वो जगह उनका है क्या? ईश्वरप्पा ने मुस्लिम नेताओं से अपील की है कि वो अपने युवाओं को काबू में रखें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम यहाँ शांति से रहें या पाकिस्तान जाएं। पाकिस्तान लोग ने वो सपोर्ट करने वाले इधर मत रहना। हमारे भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ भाई भाई जैसा कौन इधर रह सकता है? इधर रहो, नहीं तो आप पाकिस्तान चलो। दरअसल कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सवाल उठाया था कि सावरकर का बैनर मुस्लिम बहुल इलाके में क्यों लगाया गया, जिसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ईश्वरप्पा ने भी कांग्रेस पर देश भर में PFI और STPI जैसे संगठनों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। एंटी नेशनलिस्ट PFI हो, STPI हो, उनको सपोर्ट तो मैं डायरेक्टली अटैक करना चाहता हूँ। कांग्रेस ही उनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल शिवमोगा के सावरकर का फोटो लगा दिया, वो गलत है। तो जिन्ना फोटो लगा कर सकता है क्या? हम पाकिस्तान में नहीं है, हम इंडिया में है।
इंडिया में कुछ एरिया इलाका मुस्लिम मेजॉरिटी है, इसके वजह से सावरकर का फोटो क्यों लगा, ऐसा प्रश्न पूछता है, ये शर्मिंदा के बात है, ये डेंजरस बात है। आज जो हालांकि अपने बयान पर विवाद के बाद ईश्वरप्पा ने सफाई भी दी है, वो अब कह रहे हैं कि ये देश सभी धर्मों के लोगों का है, एक इंच भी मुसलमान लोगों का नहीं, सभी भारत माता की है, हिंदुस्तान लोगों का है, उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है। मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाले ईश्वरप्पा उसी पार्टी से हैं जिसके नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब लाल किले से पीएम मोदी ने 5 प्रण लिए थे, इसमें से चौथा प्रण एकता और एकजुटता का था। चौथा प्रण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया, एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। एक तरफ पीएम मोदी देश को एकता और भाईचारे की सीख दे रहे हैं तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेता अपने बयानों से दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये अलग बात है कि कांग्रेस हमेशा सावरकर का विरोध करती रही है और उनके नेता सावरकर को लेकर विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि अगर उडुपी में सावरकर और नेताजी की तस्वीर एक साथ लगी तो उससे तनाव कैसे पैदा हो सकता है जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये पहला मौका नहीं है जब कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक के एस ईश्वरप्पा ने इस तरह विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर कई बार चर्चा में रहे हैं। यूपी में मदरसे में राष्ट्रगान जरूरी करने के मुद्दे पर ईश्वरप्पा ने कहा था कि जो समुदाय आतंकी तैयार करता है अब उस समुदाय के लोग भी राष्ट्रगान गाएंगे। उदयपुर हत्याकांड पर ईश्वरप्पा ने कहा था कि लोकतंत्र में इस तरह के हत्यारों को या तो हत्या के जरिए सबक सिखाना चाहिए या फिर कड़ी सजा देनी चाहिए। इन्हीं ईश्वरप्पा ने एक बार कहा था कि आरएसएस का झंडा एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा। इससे पहले इन्होंने यह भी कहा था कि भविष्य में तिरंगा की जगह फगवा झंडा ले सकता है। आने वाले समय में लाल किला पे फगवा झंडा फहराया जाएगा, ये ईश्वरप्पा ने कहा था।